गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो ये व्लॉग है सैटरडे या फिर संडे का, थोड़ा सा पुराना हो गया इसलिए मुझे एक्चुअली में याद नहीं है, लेकिन हाँ वीकेंड स्पेशल व्लॉग है। एंड क्योंकि वीकेंड व्लॉग है तो भाई नाश्ता होना चाहिए पति के हाथ का, तो आज वरुण ने ही व्लॉग किया है एंड वरुण ने ही नाश्ता बनाया है। और नाश्ते में बनने वाला है आज ऑमलेट, एंड इसमें ना प्याज टमाटर धनिया हरी मिर्च और कुछ मसाले ऐड कर लिए हैं। एंड इतना ज़्यादा टैम्पटिंग था ना, बहुत ज़्यादा टैम्पटिंग था, एंड इसको अच्छे से ना मिक्स कर लिया है। एंड क्योंकि ये व्लॉग वरुण ने बनाया तो थोड़ा सा एस्केप हो चुका है, थोड़ा सा है, बट जितना भी है उतना बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे जो मैंने नया वाला पैन लिया था ना उस पर लगा लिया खूब सारा बटर, एंड इसको ना ऑमलेट को हाफ ऑफ डिवाइड कर लिया, लाइक आधा मेरा है आधा वरुण का है, तो हाफ पोर्शन डाल दिया है। इसको अच्छे से सेक के ना, वरुण पता है क्या करते हैं, जैसे मार्केट में होते हैं ना ब्रेड में मिक्स होके वो वाला बनाते हैं, बहुत ही टेम्पटिंग लगता है। मैं दोनों साइड से फ्लिप करके सेक के फिर ब्रेड ऐड करती हूँ या फिर प्लेन खा लेती हूँ, बट वरुण को ना वैसा मार्केट वाला फ्लेवर्ड वाला ना बहुत टेस्ट लगता है, तो वो वही बनाते हैं जो मुझे बिल्कुल बनाना नहीं आता है। और एक साइड में रखी हुई थी चाय, एंड मैं अभी सो के उठी थी, थोड़ी सी एडिटिंग कर रही थी। और ये देखिए जो मैंने कहा था ना बीच का पार्ट थोड़ा सा मिस हो गया है, बट कोई नहीं, इस तरीके से हमारा 3 ब्रेड का ऑमलेट रेडी हो गया है। एंड इतना टेस्टी उतना हैवी हो गया था ना कि लंच की ऑलमोस्ट छुट्टी करा दी थी इसने। और ये बिल्कुल इंग्लिश स्टाइल में मेरा ब्रेकफास्ट आया है एकदम यू नो नाइफ एंड फोक के साथ, एंड चाय जिंजर टी एंड ये हाय हियर आई एम गुड मॉर्निंग। और मेरी गोदी में ना रियांश अभी सो रहा था इसलिए मैंने कुछ भी बात नहीं की। एंड आई डोंट नो वाई आजकल मेरी स्किन इतना अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है ना, मेन रीज़न पता है बिहाइंड इट कि मैं बहुत रेस्ट ले रही हूँ अभी। जैसे कि मेरे व्लॉग्स इतना इरेगुलर हैं, इतना इरेगुलर है कि आई एम सो 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 सॉरी फॉर दैट। बट हाँ अभी थोड़ा सा ना रेस्टिंग पीरियड टाइप्स चल रहा है क्योंकि रियांश के साथ में डेली धूप में जाना, मतलब इन चीज़ों में ना थोड़ा सा बिजी हूँ। एंड मैं बता रही हूँ कि मैं एडिटिंग कर रही हूँ एंड फिर भी रियांश जैसे थोड़ा सा उठ गया। चलो फिर अभी उठते हैं एडिटिंग करते हैं लास्ट वाले व्लॉग की। इसको ना खुशबू आ जाती है खाने की ये देखो इसको मैंने फटाफट से सुलाया, एंड नाश्ता करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ फिर। अच्छा वैसे ये बताओ आप लोग ऑमलेट किस तरीके से बनाते हो, एंड कितने लोग एग खाते हैं? एक्चुअली हम ना नॉनवेज नहीं खाते हैं, बट हाँ हम एग खा लेते हैं, एगिटेरियंस हैं, और वो भी रेगुलर बेसिस पर नहीं, हमारे कुछ पर्टिकुलर डेज हैं जिन पर हम नहीं खाते हैं नहीं लाते हैं, बट हाँ कुछ डेज हैं जिन पर हम खा लेते हैं यार, विंटर्स में बहुत ज़रूरी भी है। एंड रियांश को मैंने स्टार्ट कर दिया है एग खिलाना, बट ऑमलेट वॉज ऑसम यार। एंड मैं ना ऐसे इंग्लिश वाला स्टाइल में नहीं खा पाती, मैं तो भैया अपना पूरा हाथ से तोड़ना सॉस लगा के खाना, चाय का एक ऐसे सिप लेना, आहा विंटर्स में यार क्या चाहिए उसके अलावा, कुछ भी नहीं ना। चलो मैं खाती हूँ पीती हूँ एंड फिर आप लोगों से मिलती हूँ डायरेक्टली। फाइनली आज ना मैंने ये थोड़े से कपड़े निकाले हैं, ये मेरे और थोड़े से वरुण के, कुछ वरुण के ना ऐसे ऑफिस वॉफिस पहन जाने के लिए स्वेटर्स निकाल लिए, एक दो लोअर निकाले हैं, मैंने अपने भूलन कुर्ते और पजामे निकाले हैं सारे, इनको धूप लगाते हैं धोते हैं यार डेली। आप सोचो कि आज आपने दो काम कर दिए तो ये नहीं है कि आप फ्री हो गए, कल आपके लिए दो नए काम तैयार होंगे, अभी विंटर के कपड़े निकालो धूप धोना गर्मियों के रखो, मतलब लाइफ इज सो सो टफ मतलब आप डेली नए नए काम करते रहोगे। पता है वरुण अभी गए डॉक्टर के पास, जो रियांश के ऐसे वाइट वाइट स्पॉट हो रहे हैं ना तो उनको एक बार दिखाने गए हैं। वैसे तो हमने जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चला था वहाँ के डॉक्टर को दिखाए हैं, तो उन्होंने एक बार तो क्रीम दी थी लगाने के लिए और बोला था कि ठीक हो जाते हैं अपने आप, इतना कुछ इशू नहीं है, और हमने जो क्रीम लगाई थी वो वाली तो ठीक हो गया था। यहाँ पे उसके ना एक बहुत बड़ा ऐसे ऑपरेशन के बाद हुआ था वाइट, अभी क्या है यहाँ पे ऐसे चीक्स पे है, तो फिर हमने दिखाया डॉक्टर को तो उन्होंने कहा कुछ इशू नहीं है, हो जाते हैं छोटे बच्चे के, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो हम भी फिर टेंशन फ्री रहे। बट उसका ना वाइट स्पॉट यार अच्छा नहीं लगता है, और मतलब दिखता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसे ऐसे वाइट वाइट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक डॉक्टर को दिखाया था रिसेंटली, कुछ टाइम हो गया, मतलब 20-25 दिन हो गए अप्रॉक्स उसके बर्थडे से, कुछ टाइम पहले 3-4 दिन पहले, तो एक महीना हो गया होगा। तो उन्होंने ना एक लोशन लिखा था, मैंने उनसे बोला था आप सेटाफिल लग दो, मुझे सेटाफिल लगाना है, मुझे एक दो लोगों ने सजेस्ट किया था सेटाफिल, बट उन्होंने ना सेटाफिल नहीं लिखा, एक और लोशन लिखा आई डोंट रिमेम्बर उसका नेम। तो वो लगाने के बाद क्या हुआ उसको ना वो रेड हो जाता था, वाइट वाला जो एरिया वो पूरा रेड हो जाता था। तो फिर वो मैंने 2-3 दिन लगाया, मुझे पहले लगा कि रिकवरी हो रही है या शायद इस वजह से रेड हो रहा है, बट उससे ठीक नहीं हुआ, मतलब वो रेड ही रहता था। फिर मैंने उसको लगाना बंद कर दिया एंड फिर उसके वो वाइट हो गया, जो चीज़ रेड हो जाती थी ना वो वाइट हो गई एज इट इज़, बड़ी नहीं है बट कम भी नहीं हुई है ना। फिर एक महीना हम लोगों ने वेट किया, चलो ठीक है हो जाएगा बट नहीं हो रहा है ना। अभी वो बाहर जाता है ना खेलने के लिए तो ऐसे मतलब टोक देते हैं लोग, उनकी भी गलती नहीं ऑब्वियसली लगता है कोई क्या हो रहा है, तो फिर अब क्या सबको बताएं कि इसको ड्राइनेस है या गर्मी है या क्या है, तो थोड़ा खुद भी लगता है क्या हो रहा है क्या हो रहा है।
तो वरुण ने बोला क्या संडे है, मैं इसको दिखा के लाता हूँ डॉक्टर को। यहाँ पे एक डॉक्टर सर्च किया है नियर बाय कोई, तो उनको दिखाने गया एंड लेट्स सी वो क्या बताते हैं, लोशन क्रीम ड्राइनेस दवाई मेडिसिन, मतलब क्या बताते हैं, क्या रीज़न है एंड क्या बताते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कैल्शियम की कमी से है, तो मुझे नहीं लगता कैल्शियम की कमी से है, क्योंकि मैंने डॉक्टर से भी पूछा, डॉक्टर ने भी बोला ये कैल्शियम वाला नहीं है। क्योंकि कैल्शियम की अगर बात आती है तो मैंने रियांश को उसके 6 मंथ से लेके अभी तक, अभी वो 1 साल 1 महीने का होने वाला है, टुडे इज 20 क्या शायद तो उसका 13 मंथ बर्थडे है, ओ माय गॉड ही इज 13 मंथ्स नाउ। तो मैंने उसको रेगुलरली ग्रीक योगर्ट खिलाया है, मतलब रेगुलरली खिलाया है एंड ग्रीक योगर्ट बहुत सही होता है यार, तो ग्रीक योगर्ट खिलाया एंड अभी उसका जब ग्रीक योगर्ट बंद हो गया तो उसको प्लेन योगर्ट में 20 वाला डेली एक कप खिलाती हूँ, डेली मतलब डेली खाता ही खाता है वो। तो आई डोंट थिंक सो कि कैल्शियम की वजह से है, बाकी लेट्स से भी ये डॉक्टर क्या बोलते हैं क्या देते हैं। मैं सोच रही हूँ कि इनको यार इजी वीजी में निकाल दूँ, हाथ से निकाल देती हूँ इनको फटाफट से, क्योंकि धुलना वुलना तो इनमें कुछ है नहीं, सब वॉश रखे हैं, बट फिर भी होता है ना कहीं कि धूल मिट्टी मकड़ी वकड़ी ऐसा कुछ ना हो, तो ऐसे फटाफट फटाफट वाला निकाल के ड्रायर मार के इनको सुखा देते हैं। बाकी ये सारे कपड़े सूख चुके हैं रियांश के जो मैंने कल वॉश किए थे, इन सबको उतारते हैं। दीदी आ गई हैं, दीदी खाना पीना झाड़ू पोछा बर्तन सब अभी एक साथ ही करके जाने वाले हैं। बाकी आप लोगों को यार रियांश के कल वाले कपड़े कैसे लगे, बढ़िया है ना, मुझे अच्छे लगे, आप लोग कमेंट करना। फाइनली मेरे कपड़े तो धुल गए यार, और ये सारे सूट वूट मैंने धो दिए, वरुण के बचे हैं क्योंकि इजी नहीं था घर में, मैंने तो सर्फ से नहीं, और पता कपड़े कम धुले हैं, मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ। ये देखो यार गिर मत जाना, इसकी ना मस्ती चल रही है बहुत ज्यादा, बिल्लू बिल्लू इसके नहाने का टाइम हो रहा है, चलो नहाने करने, कम कम नंगू बेबी कम, ए दूध पिला रहा है, अब तो गया, अब तो तू गया, अब तुझे कौन बचाएगा, अब तुझे कौन बचाएगा, ये पता दूध पिलाता है फिर हंसता है, अब तुझे कौन बचाएगा। चलो गाइस, तो वीडियो को ना पॉज करते हैं, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा एक अमेज़न का हॉल, एंड इसमें कुछ ना ब्यूटी प्रोडक्ट्स मैंने नए नए लिए हैं जिनको मैंने अभी तक बहुत ही रेयर यूज किया है, तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ, बहुत सुना है। सो यार चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिया एम कैफीन का ये कॉफी बॉडी स्क्रब, आई मीन सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द यूज्ड बॉडी स्क्रब होगा, एंड बॉडी स्क्रबिंग करनी चाहिए, मैं अभी तक नहीं करती थी, मींस करती थी बट मैं अपना वो घरेलू नुस्खे होते हैं ना मसूर की दाल चावल उनसे मैं कर लेती थी, बट रेगुलर बेसिस पर नहीं करती थी। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं इसको ट्राई करती हूँ एम कैफीन स्क्रब को, एंड इसके साथ ना कोई वुडन स्पून मिलती है एंड बहुत हाई प्रोडक्ट है, तो लेट्स सी ये कैसा वर्क करता है मेरी स्किन पे, एंड जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाती चलती हूँ मैंने क्या क्या परचेज किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे परचेज किया मामा अर्थ का चेरी टिंटेड लिप बाम, मेरे पास मामा अर्थ का कॉफी है, कॉफी लिप बाम है जिसको मैं रेगुलरली यूज कर रही हूँ, बट इस बार मुझे कुछ फ्लेवरफुल चाहिए था तो मैंने चेरी ट्राई किया है, एंड टिंटेड लिप बाम होते हैं बहुत अच्छे रहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, इसलिए मैं इसको ट्राई करती हूँ, एंड इस बार मैंने डिफरेंट फ्लेवर ट्राई किया है। सो ये इसका टिंट है, एंड या ये तो अच्छा खासा टिंटेड है यार, ये देखो ये देखो है ना, तो यार आई एम सुपर एक्साइटेड इसको ट्राई करने के लिए। अभी मेरे पास वैसे है उसमें कॉफी वाला, बट मैंने ये वाला नया एक ट्राई किया है। ओके सो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मामा अर्थ का फेस वॉश एंड फेस स्क्रब, जो है दोनों ही उपटन के वन ऑफ माय फेवरेट रेंज, मतलब ये ना मेरे पास एक बार प्रमोशन के लिए आया था, उसके बाद से मैं इसको रेगुलरली यूज करती हूँ। सो ये फेस स्क्रब भी बहुत अच्छा है एंड फेस वॉश भी बहुत अच्छा है, तो इसका जो फेस वॉश है ना उसमें लाइट ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो नॉर्मल फेस वॉश में भी आपका डेली बेसिस का फेस स्क्रबिंग होती रहती है, छोटे छोटे डर्ट पार्टिकल्स आपके फेस में स्किन में हो जाते हैं ना, तो बहुत अच्छे से डीप क्लीन करता है एक्चुअली ये फेस वॉश, एंड स्क्रबिंग तो ऑब्वियसली वीकली आपको करनी चाहिए, तो ये मैं रेगुलरली यूज करती हूँ। एंड ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं शेयर करने वाली हूँ हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं, इन सबके लिंक नीचे मिलेंगे, और मोस्ट यूज एंड मोस्ट लाइक हाइब्रिड प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना बेस्ट प्रोडक्ट्स, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो या ये है मामा अर्थ का फेस वॉश एंड फेस स्क्रब, टन का जो रेंज है बहुत अच्छा वाला है। ओके सो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मेबलिन का ये काजल, मैं बहुत ही टाइम के बाद काजल ले रही हूँ कि इतना यूज नहीं हो पा रहा है,
नहीं हो पा रहा है ना, तो ये मैंने पैक ऑफ टू लिया था एंड दोनों ब्लैक हैं, जेड ब्लैक है। मेबरीन का जो काजल होता है मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है किसी से भी, क्योंकि ये ना ऐसे स्मज नहीं होता है और इसके जो टिप्स होते हैं इस तरीके एंड बिल्कुल जेड ब्लैक काजल है। सो या मैंने पेयर ऑफ टू ही ले लिया था क्योंकि अभी बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है ये। ओके सो आप लोग अपना फेवरेट काजल मुझे जल्दी से कमेंट करना। वैसे मुझे एस क्यू का भी अच्छा लगता है बट वो ना स्मज हो जाता है, मतलब आप कितना भी उसे सेट कर लो बट ऐसे फैल ही जाता है वो। ओके सो काजल के बाद मैंने अगेन यहाँ पे लिया मेबलिन का कोरोसोल काज लाइनर, अभी भी मेरे पास ये है एंड वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। सो अगेन मैंने लिया है बहुत टाइम बाद, अगेन मैंने लाइनर काजल ना बहुत ज़्यादा टाइम के बाद लिया, सो यही वाला काजल है एंड दोनों बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद मैंने लिया है प्राइमर, तो मैं अभी प्राइमर यूज़ करी थी एस क्यू का, वो भी अच्छा है बट मैंने मेबलिन फिट मी जो वो है प्राइमर, ये बहुत ज़्यादा ऐसे हाइप्ड वाला सुना है कि अच्छा है इस रेंज में, ये है वो है ओपन पोर्स के लिए, स्पेशली मेरे को ओपन पोर्स का प्रॉब्लम रहता ही है। सो मैंने ना इस बार ये फिट मी प्राइमर ट्राई करने वाली हूँ एंड अभी मैंने ट्राई नहीं किया है बट हाँ ट्राई करने के बाद मैं इसको रिव्यू ज़रूर करूँगी, बट हाँ अभी मैंने ये लिया है। वैसे ही नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, मेरी थोड़ी सेंसिटिव है, लाइक कभी ड्राई भी रिएक्ट करती है कभी ऑयली रिएक्ट करती है, तो आफ्टर प्रेगनेंसी वैसे वो ड्राई में कन्वर्ट होती जा रही है, पहले मेरी काफ़ी ऑयली स्किन हुआ करती थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है वीगा के कॉटन बॉल्स एंड बड़े बढ़िया रहते हैं यार कॉटन बॉल्स, अभी अब ट्रैवल करना है कुछ भी है तो कॉटन बॉल्स मेकअप रिमूव के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो ये मैंने वीगा का लिया है, पैक तो पूरा 50 बॉल्स का है, हाँ 50 बॉल्स का है, सो यह है। एंड हाँ कॉटन बॉल्स लिया तो मेकअप रिमूवर भी लेना पड़ेगा, तो अभी मैं जो यूज़ करती थी वो तो कर दी हूँ बायोडर्मा का, वो भी मुझे प्रमोशन से आया था। वैसे नॉर्मली मैं मेकअप रिमूवर यूज़ नहीं करती थी, मैं वेसलिन कोकोनट ऑयल ये यूज़ करती थी, बट मेरी स्किन ना मैंने बोला ना कभी ऐसे कैसे कुछ अलग ही रिएक्ट कर देती है, तो मैं अभी मेकअप रिमूवर पर आ रही हूँ एंड बायोडर्मा यूज़ कर रही थी, अच्छा सूट कर रहा था बट मेरे को गार्नियर भी यूज़ करना था। वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मिसलर वाटर मैंने सुना है गार्नियर का ये वाला, सो या मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ फाइनली यार, मतलब मैंने मतलब मिसलर वाटर गार्नियर से ही सुना है मैंने, तो या आप लोगों ने ट्राई किया तो जल्दी से जाके कमेंट करो ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ये कलर बार का नेल वाइप्स, वैसे मैं नेल पेंट नहीं लगाती हूँ बट स्टिल अभी मैंने सोचा है कि अभी ना यांश का थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो आई कैन ट्राई, मेरे को नेल्स एक्सटेंशन कराने का इतना मन करता है ना, मैं नहीं करा पाती हूँ उसकी वजह से, बट यहाँ फिलहाल मैं नेल पेंट कुछ लूँगी, मैंने ऑर्डर की हुई है तो मैंने उसके लिए ना वाइप्स ले लिया है। सो ये कलर बार के वाइप्स हैं, फोकस हो जाओ, सो ये वाइप्स हैं एंड हाँ बड़े अच्छे रहते हैं वाइप्स, तो मतलब इसका क्या रिव्यू करूँ, ऑब्वियसली सबको पता ही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया रोल ऑन एंड रोल ऑन में फेमस है नीविया ऑब्वियसली, तो मैंने एक वरुण का एक अपना दोनों का सेट ले लिया है, सेट में मिल रहे थे मुझे सही रेंज में, तो मैंने ही ना सेट ले लिया है पूरा वोमेन के लिए एंड मैन के लिए। सो या मतलब सारी चीज़ें आप कहोगे ना मैंने एकदम A1 क्वालिटी वाली चीज़ें दिखाई हैं। सो रोल ऑन में मैं हम लोग नेविया ही यूज़ करते हैं फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स जब से करते हैं, मैंने एक बार कोई और यूज़ किया था स्टार्टिंग में, मुझे नेम भी याद नहीं है उसका बट हाँ उसके बाद फिर हम लोग नेविया पे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं वाइप्स और मैं वाइप्स लैक्टोगैलेमाइन के ही यूज़ करती हूँ हमेशा से। सो या ये पैक ऑफ टू लिया था, पैक ऑफ थ्री भी था, वन भी था, बट टू इज़ मोर देन इनफ एंड एक उसमें कितने वाइप्स निकलते हैं, 25 वाइप्स निकलते हैं एंड बेस्ट पार्ट है ये एलोवेरा कोकोमर एंड विटामिन ई का होता है, तो ये वाइप्स मुझे बहुत से लगते हैं, तो बेसिकली वाइप्स मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, कॉटन वॉल्स बहुत ही कम करती हूँ लेकिन बट कर लेती हूँ, और मैंने ये ट्राई करने वाली हूँ मिसलर वाटर। ओके सो नेक्स्ट जो मैंने लास्ट प्रोडक्ट है इस वाले हॉल का वो है परफ्यूम एंड मैं अभी रिसेंटली मतलब 2-3 महीने से मैंने यूज़ किया फॉग का परफ्यूम एंड क्या स्मेल करता है, मुझे ना ऐसे कुछ बहुत ही सूदिंग वाले स्मेल्स जो होते हैं ना मुझे थोड़े कम पसंद है, मुझे थोड़ा सा स्मेल अच्छे होने चाहिए, बोल्ड होने चाहिए, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं फॉग का परफ्यूम यूज़ कर रही थी बहुत टाइम से, 2-3-4 महीने से, वो मैंने शेयर भी किया है, तो वो मेरा फिनिश हो गया है। तो इस बार मैंने क्या किया, पेयर मंगवाया है, तो फॉग का मैंने मेन परफ्यूम भी मंगवाया है एंड इट स्मेल्स अमेजिंग, मतलब वुमेन वाला तो करता ही है बट मेन वाला भी बहुत ही बढ़िया स्मेल करता है। और सो ये वाला मैंने परफ्यूम, वैसे वरुण को ना पर्सनली मामा अर्थ का बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने मुझे बोला है कि मामा अर्थ मंगवा मेरे लिए, बट मेरे को था यार एक बार फॉग भी ट्राई करते हैं, बहुत अच्छा स्मेल करता है। एंड जब ये मंगवाया तो मैंने अपने लिए तो मंगवाया क्योंकि मेरा तो फिनिश हो ही गया था, तो मुझे मेरे लिए अपने लिए ही मंगवाना था, सो यहाँ मैंने ये सेट ऑफ टू मंगवा लिए हैं इसलिए अपना एंड वरुण का।
सो गाइज दैट्स इट फॉर माई वीडियो। एंड आपको पता है क्या, अमेजोन पे चल रही है वार्डरोब रिफ्रेशिंग सेल, जहाँ पे आपको मिलने वाला है 20% कैशबैक। एंड अगर आपका फर्स्ट फैशन हॉल है तो आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ डिलीवरी, मतलब कोई आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए अपने वार्डरोब फैशन सेल में से जो आपको पिक करना है, फैशन का है, मेकअप का है, स्किन केयर है, हेयर केयर है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू पिकअप, जल्दी से पिकअप करो। नहीं, जो भी प्रोडक्ट्स मैंने शेयर किए हैं A1 क्लास है, मतलब हाइव्ड प्रोडक्ट है। एंड सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हो। और आपने क्या क्या यूज़ किया है, इसमें से क्या क्या आपको अच्छा लग रहा है, सूट किया है, उसके लिए मुझे कॉमेंट करो। अभी इंजॉय करो आगे वाले व्लॉग को। नहा धो के हो गए हम तैयार, ये वाला कुर्ता मैंने आज पहन लिया और बस हम लोग चल रही है पार्क में। टाइम क्या हो रहा है, 2:30 बज गया है, 2:30 बज रहा है। हम 2 बजे जाने वाले थे बट वरुण ने ना लेट करा दिया, जो वरुण है ना पीछे ये इसने लेट करा दिया और 2:30 बज गए। और फिर हमारी थोड़ी सी लड़ाई भी हो गई है, एक्टिंग। और मैंने ना ये वाला बैग तैयार कर लिया, इसमें रियांश का खाना, हमारे फ्रूट्स, बेडशीट, रियांश का पानी, क्योंकि रियांश खाना पानी पी के ना वहाँ सो जाता है। इसको ऐसे घास पे खेलेगा पहले। इसकी बॉल भी रख लूँ ना? हाँ, बॉल ले सकते हैं। इसकी बॉल ले सकते हैं, अगर वॉकर लेके जाना तो बताओ। वॉकर रहने देते हैं तो फिर कोई बात नहीं, वॉकर में नहीं लेके जा रहे हैं, इसे पैदल लेके जा रहे हैं। खुशी देखो, चलो चलो। पार्क टाइम हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं कर लिया? नहीं, यहाँ कितना। वाह, इसमें बहुत कुछ है खाने पीने का। रियांश की बॉल भी है, आ जाओ। वाह, रियांश बॉल, जल्दी आओ, लो पकड़ो। सबसे पहले तो हम फ्रूट्स खाएंगे। पाइनएप्पल खोलूं पहले या गुआवा खोलूं? दोनों खोल लेते हैं, दोनों ही खोल लो। चलो रुको रियांश। रियांश, वाओ, रियांश ऑरेंज एंजॉय कर रहा है। वाओ, दुपु दुपु। हाँ, ऐसे ऑरेंज अच्छा भी लग रहा है, ऐसे ना मैं छील के दे रही हूँ ना पूरा निकाल के, जैसे बहुत अच्छा लग रहा है ऑरेंज। ऑरेंज, उई, लास्ट विंटर्स में रियांश ऑरेंज कैसे खाता था, वो शक्कर करके ना। रियांश, ये भैया ऑरेंज का ही, रियांश बेबी अभी अच्छा है। लास्ट टाइम जब ऑरेंज लाए थे ना, बड़ा खट्टा था ना वरुण, लास्ट टाइम लाए थे। ये मीठा है? हाँ, अच्छा है। हाँ, आप खा लो जल्दी अब। हाँ, आप भी खाओ। पाइनएप्पल बहुत, पाइनएप्पल तो बहुत औसम था, देखो अब खाली बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी एक्चुअली भाई। अमरूद भी ठीक है, हाँ मतलब ठीक है, बट पाइनएप्पल बहुत टेस्टी, पाइनएप्पल बहुत अच्छा है। ऑरेंज अच्छा है, रियांश लो। पता है कल क्या हुआ था? कल हम आए थे ना तो थोड़ा जल्दी आए थे, 12 बजे के अराउंड, और यहाँ पे इतने सारे छोटे छोटे बेबीज ना, मतलब रियांश के बराबर के, रियांश थोड़े थोड़े से बड़े, तो ये ना उनके पास अपने आप जा रहा था, अपने आप उनके टॉयज से खेल रहा था, उनके साथ खेल रहा था, तो इसको ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अभी ये ढूंढ रहा है कहीं बेबी दिख रहे हैं तो ये जा रहा है वहीं पर ही, बट बेबी इस टाइम है नहीं, बहुत ही कम लोग पार्क में बचे, क्योंकि धूप ना सिर्फ इतने एरिया में आ रही है जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ इतने एरिया में धूप है। तो ये बेचारा ऐसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कोई बेबी नहीं मिल रहा है, और फिर ऐसे क्रॉल कर रहा है पूरे पार्क में अपना।
शाम के बज गए हैं 4। जस्ट हमने खाना खाया, खाने में बना था मसूर की दाल, आलू बीन्स की सब्जी और दही और रोटी। ऐसे अभी आपको ठंड लग रही है वरुण? खाना खाने के बाद ना मुझे ठंड सी चढ़ने लगी, मौसम चेंज हो गया। आपको लग रहा है? थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वरुण ना बोल नहीं पा रहे हैं, वरुण आनंद उठा रहे हैं गजक का। गजक का जो सीज़न है ना वो आ चुका है। तो हम एक दिन लेकर आए थे गजक यार, वो मूंगफली वाली 100 रुपये का डब्बा, बट वो ना पूरा सीरा निकला, इतना दिमाग खराब हुआ ना, पूरे 100 रुपये बेकार चले गए। तो वरुण अभी 2-3 दिन पहले ना 30-30 रुपये की गजक लेकर आए हैं। एक तो ये वाली लेकर आए, इसमें 4-5 पीस ही वाली लेकर आए हैं और 4-5 पीस उसके लेकर आए हैं। ये वाली जो है तिल वाली, एक्चुअली में ये मेरी फेवरेट है, मतलब मेरे को वो वाली भी अच्छी लगती है। यहाँ फोकस हो रहा है क्या? कहाँ फोकस होता है, मतलब तिल पट्टी वाली जो गजक होती है ना, ये आज लेके नहीं आएंगे, लेके आएंगे आज? चलो लेके आएंगे, खत्म हो गए ना। सही है, बता, फ्रेश फ्रेश लानी चाहिए। कल ना मैं फ्रूट्स भी बहुत थोड़े से लेके आई थी, फ्रेश का टेस्ट ही अलग होता है, फिर वो रख के ना मज़ा नहीं आता, क्रिस्पीनेस नहीं रहती है। तो हम लोग यही करते हैं, अभी थोड़ी थोड़ी लेकर आते हैं, 2 ही लोग हैं खाने वाले, किसी दिन मिस हो जाता है तो वो भी नहीं खा पाते हैं। और रियांश को खाना खिला दिया, रियांश खाना पीना खा के सो गया है, और मुझे तो एकदम ऐसा होना है क्योंकि फैन चल रहा है ना एक नंबर पर, ठंड लगती है अभी खाना खाने के बाद, ठंड चढ़ती है। और गजक खाने का जो मज़ा है ना वो, मैं पता मूंगफली नहीं खाती हूँ, मैं नमकीन में नहीं खाती। मैं कल सोच रही थी सादा मूंगफली लेके चलूँ 10 रुपये की गरम गरम, सही में क्या इससे कोई मतलब ही नहीं। ये भगवान के बताओ ने क्या कहा, 10 रुपये की मूंगफली लेके आई तुम ऐसे घर? हाँ हाँ सही था ना, वो तो तुमने दिमाग लगाया ना, सोचा कि क्या बोला, वरना सुना नहीं था ना, मरो झूठ मत बोलो। मैं सोच रही थी कल मूंगफली लेके चलूँ, फिर मैं लेके नहीं आई, वही सारी गजक खत्म कर दी, मैं एक बाइट नहीं ले पाई। वो ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि